पंजाबी लोक गायक गुरमीत बावा के निधन के साथ 21 नवंबर को गायन के एक युग का अंत हो गया। लंबी हैक के लिए मशहूर गुरमीत बावा ने 77 साल की उम्र में नश्वर दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। आम लोगों से लेकर कलाकारों तक ने उनके निधन पर शोक जताया। दिवंगत गायक गुरमीत बावा का आज भोग और अंतिम प्रार्थना है। मशहूर पंजाबी सिंगर ने मोबाइल पर आकर दी गुरमीत बावा जी साइकोलॉजिस्ट को अंतिम श्रद्धांजलि। गुरमीत बावा के निधन से पंजाबी संगीत उद्योग को भी कभी न खत्म होने वाली क्षति के साथ छोड़ दिया। पंजाबी लोक गायन में 45 सेकंड की हैंकिंग का उनका रिकॉर्ड है। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके। पंजाबी लोक संगीत में उनका योगदान अमिट है। अमृतसर से सोनू सोडी की रिपोर्ट। देखो जी, इस दुख की घड़ी च परिवार नाल खड़े हैं ते वो एडे बड़े महान कलाकार सन जिन्हां नूं सजदा करना समुचे पंजाबियों का फर्ज बनता है, सरकारां दा फर्ज बनता है कि गुरमीत बावा होना ने साड़ी लोक विरासत नूं, साड़ी लोक गायकी नूं कल्ले पंजाब दे विच ही नहीं, भारत दे विच ही नहीं बल्कि पूरे विश्व दे विच उन्होंने उस दे मतलब कि उहदा प्रचार प्रसार लई काम कीता है। तो अज उन्हां दे अंतम अरदास शामिल होने लई अचेचे तौर पर पहुंचे हैं, होर भी कलाकार भाईचारा पहुंचे है। तो साडा फर्ज बनता हैगा कि असी परिवार के इस दुख की घड़ी चुनाव के नाल खड़िए। तो मैं थोड़े माध्यम राही ये भी कहना चाहना कि सरकारां नूं भी कलाकारां दी बांह फड़नी चाहीदी है। सरकारां बनदियां इसे लई ने, लोक बनाउंदे ने, ते जिहड़े अच्छे कलाकार फनकार आपदी उस गायकी तो मतलब के वडेरे हो जाते हैं, प्रोग्राम घट जाते हैं, उन्हां दी सांभ संभाल, उन्हां नूं सामना है, तो उन्हां दे रख रखाव दे लई, उन्हां दे परिवारां दे रख रखाव दे लई, उन्हां दे मैडिकल सहूलतां, तो वह सारा कुछ सरकारां नूं करना चाहिए। तो सरकारां नूं इन्हां कलाकारां दे लई उस तरह का एक म्यूजियम बनाना चाहिए जिथे इन्हां दी विरासत नूं सामिया जा सके, आने वाली पनीरियां वो तो कुछ सीख सकन, सीध लै सकन। सो साडे वांग नहीं होए कि असी दिल लगी कुड़ी गुजरात की गाने लग गए जां कोई क्योंकि पैसे कमाण वास्ते जां मशहूर होण वास्ते। उन्होंने उही जीवन रख्या, उन्ना ही सादा जीवन रख्या, उही सादी गायकी जिहड़ी सी ओह लोकां तक पहुँचाई ते पंजाब दे कल्चर नूं लोगों तक लैके गए। अलगोजिया ना गाया, चिमटे ना गाया, तो मतलब यहोजे जिहड़े लोक साज ने उन्होंने नाल ही गाने की ट्राई की जिहड़े जिहड़ा कि साडा विरसा है। सो आई थिंक सरकार नूं इन्हां चीज़ां बारे जरूर सोचना चाहिए कि अज वो बुलंद आवाज की मलिका उच्ची हेक हुण नहीं सानू, वो हुण तां वीडियो विच ही लभणगी लेकिन लाइव नहीं असीं देख सकदे किड्डी उच्ची हेक दे मालिक सी वो, किड्डे मतलब कि लीजेंड गायक सी, उन्होंने कदे माड़ा नहीं गाया। अगों उन्होंने बेटियां उन्होंने भी बहुत कमाल दा पंजाबी इंडस्ट्री नूं, पंजाबी म्यूजिक नूं बड़ा कुछ दिता। सो मैं पहला तो उन्होंने दी मैं छोटा हुंदा भी उन्होंने एक गाना गाउंदा हुंदा जी, दो कि लाइनां ही मैनू है ना भी हरिए नहीं भरीए रस कसूर किने व्याया इन्नी दूर है। सो किद्दां उन्होंने आवाज यार एक फोक सी, एक दर्द सी जो गाउंदे सी, पता लगता ही यार कोई इंसान गा रहा। सो एडी लीजेंड आवाज का तुर जाना यह मंदभागा आ। सो ये बाकी पम्मी बाई जी उन्होंने और जस्सी भाई जी उन्होंने जो कहा, ये बाकी सांभ संभाल की लोड़ आ सरकार नूं। सरकारां वल्लों कुछ भी कलाकारां वास्ते कोई उपराले नहीं किए जा रहे, एंड समय ते आके सरकारां बचपन दे विच जदों मैं होश संभाली उस वेले मैं गुरमीत बावा जी उन्हां नूं सुनना शुरू किया। मैं छेवीं क्लास च पढ़दा सी जदों बलवीरो भाभी फिल्म आई सी, तो उहदे विच एक पासे जिहड़ी फिल्म आया हो सी, मैनूं अज वी ओह सीन उदों दा ही मैं फिल्म देखी हो, मैं फिल्मां बहुत घट देखदा, तो वह एक चबारे ते गुरमीत बावा जी ने बोली पाई हेक लाई, दूजे पास्यों कुलदीप माणक साहब उठे, तो वह चीज़ ना जिदा लू कंटे मेरे छेवीं क्लास च मेरे जाने कि मैनू कुछ हो गया बैठे नूं अंदर पिया की हो गया। बाकी फिल्म मैनू याद रही जा नहीं रही याद, पर वो जिहड़ी गुरमीत बावा जी ते कुलदीप माणक जी दा कठिया दा वो सीगा चीज़, उन्हें मैनू किते ना किते फोक गायकी नाल जुड़न लई बहुत उत्साहित किया। तो गुरमीत बावा जी पिछले 50-60 साल तो फोक गायकी नाल, लोक गायकी नाल जुड़े से। उन्होंने नहीं आला दुआला वेख्या आले दुआले की चलता है कि कोई उन्होंने, क्योंकि दो अर्थी जिहड़ी दुगाणा गायकी सी उन्होंने बराबर चली आ। असी कह दें अजक अश्लील गायकी बहुत ज़्यादा चलती आ, अजक वायलेंस वाले गाने इदा नहीं है वो, क्योंकि अजक वीडियो बन गया, वो सानू सामने गडासा लैके बंदा सिर च मार दिसदा आ, पर जिहड़ी पुरानी
ਗਾਇਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾਇਕੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪਊਗੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਫੈਲੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ਼ ਦੇਖੋ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਅਮਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਬਣ ਪਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ